मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम के निर्देश के बाद भूमाफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला सीएम शिवराज के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज से सामने आया है, जहां प्रशासन ने लगातार दूसरे कांग्रेस नेता पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात को प्रदेश कांग्रेस सचिव के खेत से वन विभाग द्वारा लाखों रूपए की सागौन जब्त की गई। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के गांव बगवाड़ा में वर्षों से शासकीय भूमि पर खेती करते चले आ रहे कांग्रेस नेता द्वारका जाट और उसके परिवार को बेदखल करने की कार्रवाई की। प्रशासन ने 37 एकड़ शासकीय भूमि पर बोई गई गेहूं और चने की फसल को 6 जेसीबी चलाकर उखाड़ दिया। हालांकि इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा और कांग्रेस नेता द्वारका जाट ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन ने इस भूमि को पूरी तरह से शासकीय बताया है। जी सर, हमारे पुश्तैनी बुजुर्गों की भूमि है। जी सर, ये राजनीति के षड्यंत्र के चक्कर में हमारी भूमि पर आज जेसीबी चलाई गई है और इसको हमने 22 तारीख के रोज माननीय तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज को कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में हम गए और हमने जवाब दिया और बिना किसी सूचना के, और आज उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। द्वारका जाट की पुश्तैनी जमीन जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिसमें डिग्री आदेश हुआ है, उस डिग्री आदेश की अवहेलना करते हुए प्रशासन ने उसकी जमीन से उन्हें बेदखल किया है। ये पूरी तरीके से मेरे अनुसार से ये गैरकानूनी है। सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। द्वारका जाट, अर्जुन नारो या फिर कांग्रेस का कोई भी लीडर हो, वो लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार की वैचारिक और रचनात्मक अगर विरोध कर रहे हैं तो विरोध को भारतीय जनता पार्टी और सरकार को स्वीकार करना चाहिए। सरकारी जमीन पर से कब्जा मुक्त कराने के लिए पुलिस की मदद मांगी गई थी। थाना गोपालपुर क्षेत्र में बगवाड़ा गांव है, जिसमें गोपाल के द्वारा सरकारी जमीन 37 एकड़ पर कब्जा करके खेती की जा रही थी, जिससे आज प्रशासन द्वारा मुक्त कराया। जी सर, हमारे पुश्तैनी बुजुर्गों की भूमि है। जी सर, ये राज्य